बहुत कम ऐसे कार्टून्स होते हैं जो एक ही बार में 140 करोड़ इंडियंस को गुस्से से आग बबूला कर दे। लेकिन फैमिली गाय अकेले ही भारत में रहने वाले बच्चे बच्चे को टीवी और मोबाइल स्क्रीन फोड़ने पर मजबूर कर सकता है। जी हाँ, ये कार्टून या यूं कहिए कि एडल्ट एनिमेटेड सीरीज इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि भारत के टीवी चैनल्स तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी इसे कभी दिखाना नहीं चाहेंगे। अब जैसे कि सिर्फ एक सीन को देख लीजिए जिसमें भारत को कैसे स्टीरियोटाइप करके गंदा और ओवर पॉपुलेटेड देश दिखाया गया है। और पता नहीं क्यों इन अमेरिकन एनिमेटेड कार्टून्स को ऐसा लगता है कि भारत में हर चीज काउज यानी कि गाय ही करती है। सिर्फ इंडिया की गंदगी और ओवर पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि इंडिया के गॉड्स तक को फैमिली गाय ने बेहद ही बुरी तरह इस्तेमाल करके दिखाया है। इस सीन में जीसस क्राइस्ट और भगवान विष्णु दोनों मिलके ऑफेंसिव जोक्स मारते हुए नजर आ रहे हैं। सच कहूं तो इससे ये पता चलता है कि दूसरी दुनिया के लोग अपनी बाहरी नजर से इंडिया को कैसे देखते हैं। लेकिन फैमिली गाय की दुश्मनी सिर्फ इंडिया से ही नहीं है बल्कि ये कार्टून हर तरह के ऑफेंसिव जोक्स का इस्तेमाल करके इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करता है। इनकी ये डरावनी स्टोरी सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। अब आगे फैमिली गाय के बारे में जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसे दिल थाम कर सुनिएगा और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो बिल्कुल मत सुनिएगा। बेसिकली देखो, फैमिली गाय एक डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी है जिसके मेंबर्स है पीटर एंड लोई ग्रिफिन और उसके तीन बच्चे हैं मैग, क्रिस और स्टूवी। शो में एक और फेवरेट कैरेक्टर है जिसका नाम है स्टूवी, जो इस फैमिली का कुत्ता है और जो बोल भी सकता है। अब कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा बात ना करके मैं इसके कुछ अद्भुत स्टोरीज पर आता हूँ। देखो, सबसे पहली अजीब स्टोरी सीजन 13 एपिसोड 16 की है जिसमें खुद जीसस क्राइस्ट की बेइज्जती की गई है। इस एपिसोड में जीसस को एक वर्जिन दिखाया गया है और पीटर ग्रिफिन जीसस की पूरी मदद करता है ताकि वो अपनी ये वर्जिनिटी तोड़ सके। अंत में कोई सलूशन ना देखने पर पीटर जीसस को अपनी वाइफ लुई के साथ सोने की परमिशन दे देता है। और अभी तो रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बाद में हमें ये पता चलता है कि ये तो जीसस क्राइस्ट की बस एक चाल थी और वो इस पैतरे का इस्तेमाल करके सभी मैरिड औरतों के साथ सोता था। फैमिली गाय के क्रिएटर्स रिलीजन के जोक्स बनाते वक्त सच में सारी हदें पार कर देते हैं, लेकिन ये वाला तो सच में क्रिश्चियन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि द फैमिली गाय वायलेंस को भी बड़े खतरनाक तरीके से दर्शाता है। देखो, एक एपिसोड में जब पीटर गलती से अपने बैकयार्ड का एक पेड़ काट देता है ना, तो उसमें रह रहे एक स्क्विरल नीचे गिर के इंजर्ड हो जाता है। उसके बेटे स्टूवी और क्रिश उस स्क्विरल की देखभाल करके उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो छोटा जानवर ठीक हो के अपने पहले कदम रखता है, दूसरी साइड से उनका डॉग ब्रायन वहां पर आकर उस स्क्विरल को बुरी तरह से मार देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सीन को काट दिया जाता है, खून खराबे को अच्छे से एनिमेट करके उसके क्रिएटर्स ने यहाँ पर दिखाया है। अब दो फेमस कार्टून्स के बीच क्रॉसओवर होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कि जब द फैमिली गाय सिम्पसन्स जितना फेमस हो गया, तब उन दोनों के क्रिएटर्स ने एक क्रॉसओवर एपिसोड बनाया, लेकिन इसका रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं था जितना कि प्रिडिक्ट किया जा रहा था। फैमिली गाय अपने ऑफेंसिव ह्यूमर पर ज्यादा फोकस करती है, लेकिन सिम्पसन्स कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रेंडली शो है। फैमिली गाय के कैरेक्टर्स ने ऐसी चीजों पर जोक्स किए हैं जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा है। अब हिंदू और क्रिश्चियंस ही नहीं बल्कि उन्होंने तो मुस्लिम्स को भी नहीं छोड़ा है। सीजन 11 आते आते द फैमिली गाय पूरी तरह से ऑफेंसिव टेरिटरी में घुस गई थी। इस सीजन के एक एपिसोड में पीटर ग्रिफिन एक मुस्लिम आदमी महमूद से दोस्ती करता है। पीटर उस एपिसोड में इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट होने की भी बात करता है, लेकिन वो ये जान के अपना मन बदल लेता है कि महमूद एक ब्रिज को बॉम्ब से उड़ाने वाला है। इस एपिसोड में बहुत से वायलेंट इमेजेस और जनरल ऑफेंसिव स्टोरी लाइन है। पीटर खुद भी बॉम्ब के जरिए बहुत सारे लैंडमार्क्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस एपिसोड ऑफ द फैमिली गाय है। बहुत से एपिसोड्स का मेन थीम ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जोक्स और सीन्स है जो इन्हें ऑफेंसिव बना देते हैं। अब जैसे कि ये सीन ले लीजिए जिसमें पीटर अपने बेटे से भगवान को गाली देने के लिए कहता है और हमें भगवान इंद्र उसे सजा देते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि द फैमिली गाय किसी सोशल इशू पर कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड बनाकर रिलीज ना करे। देखो, कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे उन्हें ये डार्क जोक्स बनाने में बहुत मजा आता है। सीजन 8 के एक एपिसोड में एग्जैक्टली यही हुआ था। इस एपिसोड का मेन थीम अबॉर्शन था और जिस तरह से इस टॉपिक को पोर्ट्रे किया गया है, आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इन राइटर्स के दिमाग में चल क्या रहा था। पीटर की वाइफ लोई एक कपल के लिए सैरोगेट मदर बनने को तैयार हो जाती है
लेकिन प्लेन क्रैश एक्सीडेंट में उस बच्चे के माँ बाप बुरी तरह से मर जाते हैं। अब लोई को डिसाइड करना होता है कि वो इस बच्चे को रखेगी या अबॉर्ट कर देगी। अब इतने सेंसिटिव टॉपिक पर एपिसोड बनाना जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। कहीं ना कहीं से तो उन्हें हेट मिलता ही, लेकिन ये पर्टिकुलर एपिसोड इतना ज्यादा डार्क था कि तुरंत इसे टीवी से हटा दिया गया, और यहाँ तक कि होस्ट चैनल डिज्नी प्लस पर भी आज आपको ये नहीं मिलेगी। लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज और कॉमेडी नहीं बल्कि हॉरर के एलिमेंट को भी द फैमिली गाय अच्छे से दिखाना जानता है। एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एपिसोड में छोटा बच्चा स्टूवी ब्रायन द डॉग के बच्चों से प्रेग्नेंट हो जाता है। एक वक्त हुआ करता था जब द फैमिली गाय बिना शॉक वैल्यू के लोगों को हंसाता था, लेकिन इस तरह के एपिसोड्स कभी भी लोगों को शॉक करना नहीं भूलेंगे। ब्रायन और स्टूवी शो के बेहद ही पॉपुलर डुओ है जिनके अराउंड बहुत से फेमस एपिसोड्स बने हैं। एक ऐसे ही एपिसोड में जब स्टूवी को लगता है कि ब्रायन उससे दूर जा रहा है तो उसे पास लाने के लिए वो डॉग के डीएनए और अपनी फर्टिलाइजेशन मशीन के जरिए प्रेग्नेंट हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत से डॉग ह्यूमन हाइब्रिड बेबीज को भी जन्म देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि स्टूवी अपने बच्चों की देखभाल करता हो, उल्टा वो तो तुरंत उन्हें अडॉप्शन के लिए दे देता है। ये जितना अजीब और गंदा साउंड कर रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा खराब एपिसोड है। अब इस एपिसोड को क्लियरली ऑडियंसेस को शॉक करने के लिए ही बनाया गया था, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। एक छोटे बच्चे स्टूवी का डॉग के डीएनए से प्रेग्नेंट हो जाना ऑलरेडी बहुत अजीब था, लेकिन फिर ब्रायन का स्टूवी को मुक्का मारना और उसे सीढ़ियों से गिराकर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का प्लान और ज्यादा गुस्सा दिला देने वाली चीज थी। ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है जो फैमिली गाय के जोक्स से बच पाई हो। अब कई बार तो उनका मेन एम लोगों को हंसाना नहीं बल्कि उन्हें गुस्सा दिलाना ही होता है। अब सीजन 8 में पहली बार क्वेग मायर्स के पिता को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेग मायर एक और बहुत ही पॉपुलर फैमिली गाय का कैरेक्टर है, लेकिन जल्द ही हमें ये पता चलता है कि उसके पिता असल में आदमी की बॉडी में एक औरत है, यानी कि एक ट्रांसजेंडर है। इस स्टोरी लाइन के थ्रू उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत ह्यूमिलिएट और डिग्रेड किया था। ट्रांसजेंडर को देखकर ब्रायन का उल्टी कर देना या लुई का ट्रांसजेंडर को देखते ही खाना बाहर फेंक देना बिल्कुल भी फनी नहीं था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, द फैमिली गाय सोशल इश्यूज पर जोक बनाने से बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन फिजिकल और डोमेस्टिक अब्यूज पर जोक करने का आइडिया आखिर इनके पास आया कैसे? इस एपिसोड की स्टोरी क्वैग मायर की बहन ब्रेंडा के अराउंड रिवॉल्व होती है, जिसका बॉयफ्रेंड उसे मारता पीटता है और उसे दिन में 10 घंटे काम करवाता है। इस एपिसोड में ना तो कोई सोशल मैसेज था और ना ही ह्यूमर था। ऐसा लग रहा था कि राइटर्स ने बस एक बड़े सोशल इशू के जरिए अटेंशन पाने की कोशिश की है। मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, फैमिली गाय ने किसी को भी नहीं छोड़ा। रिलीजन से लेकर उनके बोलने के तरीके तक हर एक चीज का मजाक बनाया गया है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इस तरह के कार्टून शोज देखना पसंद करते हैं, लेकिन देखो ये बात भी सच है ना कि लोग इन्हें देखकर गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, खास करके बच्चे। आजकल इंटरनेट और यूट्यूब पर इस तरह के कार्टून्स इतने फ्रीली अवेलेबल है कि ये एक बहुत ही सीरियस इशू बन चुका है। अब इसे केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना गलत नहीं है, लेकिन इसके जरिए अपनी सोच को बदलना काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के कार्टून्स इंडिया में कोई बना सकता है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको द फैमिली गाय की ये डार्क रियलिटी पहले मालूम थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।